प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, आम जनता के लिए कितनी भी योजनाओं का विस्तार कर लें, लेकिन ये योजनाएं आम जनता के लिए जमीनी स्तर पर कितना सही साबित होती हैं ये तो सब जानते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक लाभार्थी को योजना का लाभ पहुंचाने से पहले बंदरबांट हो जाता है और आम जनता को योजना का लाभ ना के बराबर मिल पाता है। यही कारण है कि आम जनता जब भी विरोध करती है तो कानून भी अपना काम बखूबी करता नजर आता है, लेकिन फिर भी बंदरबांट करने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और फिर से घोटालों की ओर चल पड़ते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े घोटाले। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के तहसील खैर का है, जहां एक पूर्व प्रधान को योजनाओं के पैसे को गबन करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गांव के अन्य प्रधान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आम जनता के लिए सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का बंदरबांट करके तरह तरह के घोटाले करते नजर आ रहे हैं। दरअसल घोटाले का एक ऐसा ही मामला अलीगढ़ के तहसील खैर के गांव खेड़ा में फिर से सामने आया है, जहां विकास कार्य मानक के अनुसार नहीं हो रहा है और शौचालय बनाने में घटिया ईंटों का प्रयोग हो रहा है। सीमेंट की जगह बालू का प्रयोग कर चिनाई की जा रही है। गांव में लोगों का हाल बेहाल है। गांव के अंदर बने रास्तों पर पानी जमा है, जिसमें से होकर ग्रामीणों को निकलना पड़ता है। पक्की सड़क इस गांव के लिए एक सपना जैसी हो गई है और गांव के लोगों ने कई बार जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में धांधली हो रही है, जिसमें प्रधान और अन्य अधिकारी के द्वारा गबन किया जा रहा है, लेकिन अफसरों ने आंखें बंद कर रखी हैं। सरकार के द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जमकर घोटाला हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे घोटालेबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, ये देखना भी बाकी है। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सीमेंट का प्रयोग न करें, जो ईंट वाइट वैसे बना दिया जाए जिससे किसी घटना को कभी अंजाम दिया जा सकता है और कोई भी कार्य मान्य कंसर्न नहीं हो रहा, जिसमें सीमेंट न मात्र के लिए है, केवल बालू का प्रयोग चल रहा है। जहाँ अब्बल ईंट का प्रयोग होता है वहाँ ओनली केवल पीला ईंट का प्रयोग चल रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है। तो क्या आज आप किससे मिल रहे हैं? डीएम महोदय हमसे मिलने के लिए आए थे, शिकायत करने के लिए आए थे और कुछ इस तरीके से कार्य जहाँ पर पानी चल रहा है, यहाँ पर जो रास्ता निकल लेगा उसमें पानी बह रहा है, बिना बारिश के पानी चल रहा है, इसलिए गाँव हाल बेहाल है। डीएम साहब ने फॉरवर्ड कर दिया है आगे के लिए, जैसे हम कार्रवाई करेंगे फॉरवर्ड कर दिया। मेरा नाम धर्म सिंह, गाँव खेड़ा, कोश दयाल नगर से, तहसील खैर, ब्लॉक खैर से।